नमस्कार, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। हम इस वक्त हैं मेरठ के कैंट विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ कुछ युवा है। हम बात करेंगे कि 10 फरवरी को पहले चरण के चुनाव है कि यहाँ से किसको ज़्यादा बहुमत मिल रहा है, किसकी सरकार बनाने का मन बनाया है युवाओं ने। जी, आपका नाम? विवेक सिद्धार्थ। जी विवेक सिद्धार्थ जी, आप युवा हो, पढ़े लिखे लग रहे हो, तो इस बार क्या मन बनाया है, किसको आप समर्थन कर रहे हैं, किसको वोट दे रहे हैं? नहीं, मन इस बार नहीं बनाया, मन पहले से ही बना हुआ है कि वोट जो है वो बसपा को ही देनी है। बसपा को ही देने हैं, ऐसी क्या खासियत है बसपा में? बसपा में बुराई कोई नहीं है, खासियत ही खासियत है। अगर मैं गिनाने बैठूंगा तो सुबह शाम हो जाएगी। दो चार गिनवाइए। आप जिन लोगों के पास मकान नहीं था उनकी मकान की बात ले लीजिए, जिन लोगों के पास रोजगार नहीं था उनकी रोजगार की बात ले लीजिए, तो रोजगार भी सबको मिला है। और सबसे बड़ा जो मामला आज जो चुनाव में गरमाया हुआ है वो है सुरक्षा का मामला। सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम देखें तो किसी को मतलब सुरक्षा मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो बहन जी ने अपने आप दी है। जी, और ऐसा तो योगी की सरकार में भी है जो चीज़ें आपने बताई है। बिल्कुल, योगी की सरकार में भी ऐसा है। जैसे भी हाथरस में आपने केस देखा होगा, जिस लड़की को उन्होंने जिंदा मतलब एक तरह से पहले रेप हुआ जी, उसके बाद वो मार दी गई, मारने के बाद भी उसको मारा गया जी, जिसकी मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री जी ने टीवी पर बैठ के की थी कि इसको जलाइए जी। तो सुरक्षा के मामले में आपने हमें याद दिलाया कि वाकई में काफ़ी शर्मनाक बात हुई थी, वाक्य जो काफ़ी शर्मनाक था। और उससे अलावा जैसे आपने कहा कि रोजगार, योगी की सरकार में तो रोजगार काफ़ी हद तक मिल रहे हैं, रोजगार छीने जा रहे हैं। अब आंकड़ा उठाइए, चोरी चकारी ये चीज़, जिनके पास रोजगार नहीं हो क्या करेंगे बेचारे, भूखे मरने की नौबत आ रही है। कह दें कि फ्री राशन दे रहे हैं, कोई एहसान थोड़ी ना कर रहे हैं। अगर मान लो उत्तर प्रदेश सरकार में ये उत्तर प्रदेश के मुखिया बन के बैठे हैं तो मुखिया की जिम्मेदारी क्या होती है? जनता की भलाई करना। और अगर इन्होंने ऐसा कर भी दिया है तो कोई गलत होती नहीं। और क्या इससे पहले कभी फ्री में राशन नहीं मिले जी, फ्री में कोई चीज़ नहीं मिली? कह दें कि वैक्सीनेशन फ्री हो गया, अरे पोलियो का ले लो चाहे किसी भी तरह का टीका ले लो, इससे पहले जो टीके लगे उससे फ्री में लगे जी, किसका पैसा गया है? और महंगाई को देखते हो तो बहुत कम महंगाई है इस बार। महंगाई वाकई में कम है, अभी सिलेंडर जो है 1000 रुपये का किया है इन्होंने, 450 का था, कम से कम 2000 रुपये का सिलेंडर ये कर देंगे चुनाव के बाद जी, ये तय है। सरसों का तेल काफ़ी हद तक मंदा हुआ है। सरसों का तेल भी काफ़ी मंदा है, पहले 100 रुपये सुनने में आता था लेकिन अभी 200 है, ये चुनाव के बाद 300 कर देंगे जी। महंगाई इनको बढ़ानी है ये चुनाव की वजह से। आप देखिए पेट्रोल के रेट तीन महीने से लगभग पेट्रोल के रेट नहीं बढ़ रहे, सिर्फ चुनाव की वजह से। जैसे ही ये चुनाव खत्म होगा ये सब खाल में से निकाल लेंगे। तो कोरोना में जो लॉकडाउन लगा था, कोरोना काल में, इसकी वजह से बढ़े हैं तो रेट जो आप कह रहे हैं? कोरोना में जो लॉकडाउन लगा था उसकी वजह से रेट बढ़े हैं, हो सकता है। ये तो गफलत वाले आदमी है, कुछ भी कह देंगे जी। सब कुछ इनके अपना मुद्दा था राम मंदिर, उसको कैसे देखते हैं आप? वो तो बहुत अच्छा सोल्व कर दिया, जिसके ऊपर लड़ाई रहती थी उस सरकार नहीं कर पाई, उसमें भी ये चांदी काट रहे जी। कैसे? अभी जैसे एक कहावत सुनी होगी कि सारी चीज को जो है चंपत कर देना, तो एक उसमें चंपत राय जी हैं कोई, तो उन्होंने वो करोड़ों की जमीन जो है कई करोड़ में खरीद ली जी, वो सब मिली भगत चल रही इनकी। और रोजगार जो है वहाँ सिर्फ एक संप्रदाय को मिलेगा, बाकी सब पब्लिक का बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है जी। हिंदू तो है, हिंदू तो काफ़ी हद तक मजबूत हुआ है। हाँ, वो तो इन लोगों ने मजबूत किया, ये पब्लिक की थोड़ी सी गलती रही है कि उस चीज़ को इन्होंने मजबूत होने दिया। तो इससे तो बेनिफिट है आप लोगों को? बेनिफिट तो नहीं है, नुकसान है। क्या? हिंदू तो मजबूत होने से हमें क्या होगा, रोजगार मिला, बच्चों को पढ़ाई मिली, स्कूल खुले, सस्ती दवाइयाँ मिली, अस्पताल ओपन है, सड़कें बना रहे हैं। जो मान लो DL पहले तुम्हारा मान लो 250 का बनता था, आज वो 3000 का बन रहा है, कौन सी सुविधा दे दी? कोई एहसान थोड़े ना कर रहे हैं। आज से पहले सड़कें नहीं बनी, आज से पहले लाइटें नहीं आई, लेकिन हर चीज़ पे अपना थप्पा सोपा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि 2014 में ही देश आज़ाद हुआ है और 2014 में ही ये सारी चीज़ करने वाले हैं। लगता है काफ़ी जागरूक है, काफ़ी समझदार है, शिक्षित है, हर बात का जवाब बहुत अच्छी तरह से दे रहे हैं। और जो बात करता है हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र बनना अच्छा रहेगा या गलत? बात सही और गलत की नहीं है, बात यह है कि हिंदू राष्ट्र ना तो था और ना ही कभी हो सकता है। ये जो है किसी भी देश की करेंसी से पता चलता है कि उस देश की पहचान क्या है। तो आप लोगों को दिखाइए कभी मौका लगे करेंसी पे किसकी पहचान है जी। तो ये जो है बुद्ध का भारत है, बाबा साहब का भारत है और यहाँ के रहने वाले मूल निवासी लोगों का भारत है जी। तो जो मूल निवासी है ये भारत उन्हीं का रहेगा, बाहर से आए हुए लोग यहाँ पे राज नहीं कर सकते। तो लोग काफ़ी जागरूक हो रहा है इस चीज़ को लेकर, बहुत हद तक है जी। तो जो ये राजनीति चल रही है बीजेपी की, हिंदू बनाम मुस्लिम और मंदिर को लेकर हो या हिंदुत्व को लेकर हो, इसके जालसाजी में समाज नहीं आएगा इस बार? नहीं, समाज की बात करें, बात बहुजन समाज की नहीं, बात है इनकी राजनीति में कोई भी नहीं आ रहे, इनके अपने नहीं आ रहे हैं।
चारों तरफ जो है हुड़दंग मचा हुआ है, लेकिन बड़े चैनल इन्हीं के हैं, वो दिखा नहीं पा रहे जी, मजबूरी है, लेकिन बाकी जो है पब्लिक सब जागरूक है। तो कैंट विधानसभा में हम इस वक्त है, जो यहाँ के प्रत्याशी है उनको क्या से देखते हो आप, कितनी वोटों से वो? भाई जहाँ तक मेरा मानना है कैंट से जो है बीजेपी की विदाई तय है जी, तो कैंट से बसपा का कैंडिडेट जीत रहा है बिल्कुल जी, और पूरे धमाके के साथ। और जैसे हम मिनिस्ट्री मीडिया की बात करें, जिसको बिगाव मीडिया बोलते हैं, टीवी चैनलों की, उसमें तो बहुजन समाज पार्टी को कहीं नहीं दिखाया जा रहा, इसको कैसे देखते हैं? दरअसल क्या है ना, इसीलिए नहीं दिखाया जा रहा ताकि लोग जो है वो जागरूक ना हो जाए और जो है उसकी तरफ बसपा की तरफ लोगों का रुझान जो है वो और लोगों को ना पता चल जाए, जो थोड़ी बहुत कमी रह जाएगी वो पूरी ना हो जाए जी। लेकिन पब्लिक सब जानती है और पहले से जो है वो सब पूरा करने के मन लगाए हुए बैठी है। तो पूरा मन बना लिया कि बहुजन समाज पार्टी को ही वोट देनी है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार आप चाहते हैं? बीजेपी को विदा करना है ये तय है, और इसीलिए जो है विकल्प मजबूत चाहिए हमें जी, और यही विकल्प है। बहुजन समाज पार्टी के साथ ऐसे युवा यदि होंगे तो कोई नहीं हरा सकता, बहुजन समाज पार्टी की सरकार आनी निश्चित है देखते हुए, क्योंकि हर सवाल का काट रखते हैं बहुजन समाज पार्टी के युवा। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज़।